आरा में चर्चित स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के बाद से व्यवसायी वर्ग में काफी आक्रोश है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरा में व्यवसायी हरिजी गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। अपराधियों ने कुछ दिन पहले ही हरिजी गुप्ता का अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। सुशील मोदी ने इस मौके पर कहा कि बिहार में अपराध तेजी से बढ़ रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मृतक व्यवसायी हरिजी गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि 2 नवंबर को ही आरा के चर्चित स्वर्ण व्यवसायी हरिजी गुप्ता का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। अपराधी को मिटा देना चाहिए, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, और जिन नेताओं के साथ उसका नेक्सस है उसको भी जेल में बंद करिए। अब राइफल इन लोगों का डिमांड है कि जो हमारे पूर्वजों के नाम से लाइसेंस है उसको ट्रांसफर करके उनका राइफल हम लोग के नाम किया जाए, और जिनका नहीं है उनको भी किया जाए। अरे भैया, इनके तो 2 राइफल होंगे, उन लोगों के पास तो 47 है। राइफल से सुरक्षा की व्यवस्था सिर्फ आत्मबल के लिए है, वो मिलना चाहिए। लेकिन जब तक आरा में और ये शाहबाद में बालू माफिया, जमीन माफिया और पहाड़ माफियाओं को नष्ट नाबूद नहीं करेंगे, कौन सरकार नहीं बचाया है। नवादा सर्किट हाउस में रालोजपा के जिला प्रभारी राजकुमार सिंह पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 10 को पार्टी राष्ट्रीय से लेकर राज्य पदाधिकारियों के जिला स्तर की बैठक करेगी और उस बैठक में कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं राज्य को दी गई हैं उन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही सांसद के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। आज प्रेस वार्ता का मुख्य वजह है कि आने वाले 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय से लेकर राज्य के पदाधिकारी जिला स्तर की बैठक करने वाले हैं, उसमें संगठन का विस्तार, सदस्यता अभियान को तेज करना तथा केंद्र सरकार द्वारा जो हम NDA के सहभागी हैं, कितना योजनाओं हमारी केंद्र सरकार ने राज्य के लिए दी है उसको जनमानस तक पहुंचाना। दूसरी बात कि हमारे सांसद महोदय जो हमारे दल के सांसद हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य नवादा में किए गए हैं उसका लोगों तक प्रचार प्रसार करना और बताना, जैसे 4 लेन का निर्माण, रेलवे ओवरब्रिज का, PMGSY द्वारा विभिन्न सड़कों का निर्माण, विभिन्न सड़कों का प्रस्ताव जो लंबित है, और उसके साथ साथ जो हम जनमानस के बीच हम प्रखंड से प्रखंड घूमेंगे जहां जो मूलभूत समस्याएं बची हुई है, कोशिश रहेगा कि हमारे सांसद महोदय के द्वारा आगामी वर्ष उसको पूर्ण कर दिया जाए, ये हम लोग प्रस्ताव लेंगे कमिटी। देव दीपावली के मौके पर पूरे देश के गंगा घाटों पर दिए जलाए गए। इस मौके पर पटना के गंगा घाटों पर भी लोगों ने दिए जलाकर खुशियां मनाई। पटना के दीघा घाट पर भी 9 युवकों ने 5100 दिए जलाए। यहां पे हम लोगों ने 5100 दिया जलाने का ये प्रारंभ किया है। ये एक तरह से महादेव का संदेश है जो हम लोगों के द्वारा सभी सनातनियों तक पहुंचाया जाए कि मतलब अगले वर्ष से सब लोग अपने अपने घाट पे जाके दीपक जलाएं। कोई ज़रूरी नहीं है आ जा रहे 1100, अपने तरफ से बस एक इंसान एक ही दिया जलाएंगे तो हर घाट जो है प्रज्वलित होगा, हर घाट उजाला होगा। धर्म और सनातन धर्म से जोड़ने की पहल है? नहीं, जोड़ने की पहल नहीं, जो सनातन है वो अपने धर्म को निभाएं, अपने धर्म को पहचाने और अपने धर्म में जो है वो उसको करें, क्योंकि सारा घाट ये अंधेरे में डूबा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि क्यों बनारस और अयोध्या क्यों हर घाट जगमगाए। Yeah.